अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। स्वागत है आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियो में। दोस्तों, प्रमोशन और एग्जाम्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब एग्जाम्स होगा इन छात्रों का अगले माह, परीक्षा होगी ऑनलाइन। ज़रूर देखें क्या पूरी इन्फॉर्मेशन कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा एग्जाम्स को लेकर। एग्ज़ाम्स अब ऑनलाइन होगा नेक्स्ट मंथ में। तो चलिए हम बता दें क्या है पूरा इन्फॉर्मेशन और किस कॉलेज का है ये इन्फॉर्मेशन, किस कॉलेज की न्यूज़ है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे कोई अपडेट आती ताकि आप तक पहुंच सके। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। देखिए, न्यूज़ है विधि विश्वविद्यालय की, जिसमें होगा अगले माह ऑनलाइन कराएगा रिपीट परीक्षा। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, उसका सत्र 2019-20 तक के सभी सेमेस्टर की रिपीट परीक्षा जून में ऑनलाइन करवाएगा। जबकि परीक्षा पिछले एक साल से प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते अभी तक नहीं हो पाई थी। तो रिपीट परीक्षा में वो छात्र शामिल होंगे जो पूर्व में परीक्षा आयोजित में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, या वे जिन्होंने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं, यानी वो जो भाग नहीं ले पाए थे, या किसी कारणवश उनका छूट गया था, या फिर वो जिन्होंने संतुष्टि नहीं की अपने रिजल्ट से, और उसके बाद लेकिन कोरोना वायरस के चलते नहीं पाई थी। अब परीक्षा समिति, एकेडमिक कैलेंडर समिति और एकेडमिक काउंसिलिंग के सदस्यों के बीच हुई बैठक में जून में ऑनलाइन मोड में कराने का निर्णय लिया गया है। जबकि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनीष सिंह सर का कहना है कि अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन जल्द ही सभी छात्रों को परीक्षा का शेड्यूल, टाइम टेबल और पेपर का पैटर्न और किस बारे में कैसे एग्जाम्स होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। प्रशासन परीक्षा कराने की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन छात्रों को जूम जेम पोर्टल परीक्षा के लिए आवेदन करने के निर्देश दे दिए गए। जबकि 28 तारीख उसका आवेदन करने का लास्ट डेट है, जो कि छात्र किसी कारणवश किसी इस रिपीट परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उनका सूचना 27 मई तक गूगल फॉर्म के माध्यम से विश्वविद्यालय को देनी होगी। यानी 27 माह यानी कल तक आपको लास्ट डेट है, जिसमें आपको अपने कॉलेज में देना है। अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं उनकी रिपीट परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद, यानी जो फाइनल के स्टूडेंट हैं उनकी रिपीट परीक्षा कब होगी, जो उनका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद होगी दोस्तों। तो यही है विधि विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा में जिनका छूटा था और जिनका जो संतुष्ट नहीं है रिजल्ट से, उनकी रिपीट परीक्षा होगी, ऑनलाइन होगी, अगले माह जून में होगी। तो दोस्तों, यही थी अपडेट। इस तरह की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बिल्कुल प्रेस कर, ताकि जैसे कोई अपडेट आती है अब तक पहुँच सके। आज के बस, थैंक यू सो मच।